सुरक्षा स्वच्छता केंद्र की खास बात इसकी इंक्लूसिवनेस है। इस मॉडल में हम लोग अहमदाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड के 3500 जो घर हैं वहाँ पे बहनें रोज़ सुबह जाती हैं और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट करती हैं। इंक्लूसिवनेस की बात जब हम लोग करते हैं तो उसमें खास बात यह है कि इस मॉडल में 3500 घर में 300 घरों का एक यूनिट बनाया गया है जहाँ पे दो बहनें साथ में जाती हैं और वो कलेक्शन का काम करती हैं। तो जो 60 रुपये हमें मिलते हैं घर घरों से, उससे उन दोनों बहनों की सैलरी बहुत आराम से निकल जाती है। मैं कचरा लेने जाती हूँ, गीला कचरा अलग लेती हूँ, सूखा कचरा अलग लेती हूँ, कचरा लेके इधर आती हूँ, इधर आके चाय पानी नाश्ता करके हम गीला कचरा में से सब पन्नी बन्नी सब निकालते हैं और सूखा कचरा हम सॉर्टिंग करते हैं। तब हैं उन्होंने हमको ट्रेनिंग दिया, ये कचरा सिखाया ऐसे अलग करने का, ऐसे ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, सब उन्होंने सिखाया। गीला कचरा हम लाते हैं और हम इसका खाद बनाते हैं। हम अहमदाबाद कंटोनमेंट बोर्ड में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस लगाना चाहते थे जो इंक्लूसिव रहे और सस्टेनेबल रहे। इससे पहले हमने अमृतसर में ये कोशिश की थी बट उसमें हम उसको फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं बना पाए। इसीलिए हमने इस बार पर्यावरण मित्र एनजीओ UNDP ऑर्गेनाइजेशन एंड SCCB की मदद से एक ऐसे मॉडल की प्रयास किया है जो फाइनेंशियली सस्टेनेबल है, रिप्लीकेबल है, डिसेंट्रलाइज्ड है और लाइवलीहुड जनरेशन के लिए मदद करता है। इस मॉडल के तहत हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का लेटर और स्पिरिट में फॉलोअप कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस मॉडल को हम सभी कंटोनमेंट्स में लगाएं ताकि हम स्वच्छ भारत मिशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। सो इट इज़ अ रियली गुड इनिशिएटिव वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टर्स आर इन्वॉल्व टू डू इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट कीपिंग एन अक्यूट फोकस ऑन सेग्रीगेशन एट सोर्स। मेरा इधर आने से बाद बैंक का खाता भी खुल गया, पैन कार्ड भी आ गए, आधार कार्ड भी आ गए। स्पेशल सैटरडे में खेल कूद करता है, गाड़ी भी सिखाते, SC हॉस्पिटल है वहाँ ले जाते, बॉडी चेकअप के लिए सबको ले जाते, सबका बहुत ख्याल रखते हैं लोग सब।